जो है लीक हो रहा है। और ये भाई मेरा एक यहाँ पे नोटिस किए हैं, इसका हम क्विक शिफ्टर जब ऑफ करते हैं ना तो इसका मिस देखिए मैं चलते चलते पिकअप छोड़ दे रहा है इसमें। एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एंड फिर से वहीं पे वही लोकेशन, और आज आप लोग को बताने वाले हैं बेड एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज आप लोग को सिर्फ इसका नेगेटिव जो जो हमको भाई हमको फेस करना पड़ रहा है एंड कर चुके हैं वो आप लोग जान ही रहे होंगे, बट अभी हमको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है वो आप लोग बताते हैं। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है भाई, अब आप लोग को पता नहीं लोगों के साथ ये हो रहा है। और मतलब ऐसा नहीं, मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है भाई मेरा गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। एंड काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक दो, मतलब काफ़ी लोग कमेंट आ रहा है। एंड मेरा इंस्टाग्राम में भी मतलब मैसेज आ रहा है मेरे गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, और हम सब कुछ करवा लिए हैं फिर भी मेरा गाड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। और क्या अभी हो रहा है वो आप लोग को हम बताएंगे, वो पूरा ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं आप लोग को पहले गाड़ी। एंड ये रही अपनी ड्यूकी, और आप ग्राफिक्स वाला ये वीडियो आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा होगा ये आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड फाइनल लुक तो मतलब काफ़ी सेक्सी दिखता है भाई, रेक्सिंग का फेस। बट जो टॉपिक है बैड एक्सपीरियंस, हमको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है इस बाइक में वो आप लोग को हम बताते हैं। एक तो यहाँ से जो है लीक हो रहा है, और ये भाई मेरा एक यहाँ पे वाशर टाइप का एक रहता है, सर्विस सेंटर में चेंज किए थे वो आप लोग को हम दिखाए थे, यहाँ से लीक हो रहा है। एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो हमको हम शुरू से इसमें फेस करते आ रहे हैं, ये इसका मिसिंग का प्रॉब्लम भाई इसमें जा नहीं रहा है। और सब कुछ चेंज करने के बाद फ्यूल पंप चेंज हो गया, थ्रोटल बॉडी चेंज हो गया, उसके बाद भी इसका मिसिंग का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। बात भी किए थे सर्विस सेंटर में, बट और एक चीज़ और हम ये नोटिस किए हैं, इसका हम क्विक शिफ्टर जब ऑफ करते हैं ना तो इसका मिसिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, एंड क्विक शिफ्टर ऑन रहता है तभी आता है। भाई ये क्या सीन है हमको समझ में नहीं आ रहा है। एंड भाई शुरू से ही जब से गाड़ी लिया है ना तब से इसमें हम कुछ ना कुछ झेल ही रहे हैं, शुरू से ही परेशानी है इसमें। आप लोग ब्लॉग मेरा देखते ही आ रहे होंगे, एंड अभी आप लोग को दिखाते हैं मेरा गाड़ी कितना चल गया है। 1243 किलोमीटर, 1243 किलोमीटर मेरा बाइक इतना चला है। एंड इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हमको, एक तो चैम्बर्स ऑयल लीक कर गया वो मेरा बना, और ऑयल लीक उसके बाद भी किया वही बना, मिसिंग का प्रॉब्लम के लिए बोलें वो नहीं हुआ, मतलब वो किए ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर वाला नहीं किए, बट वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। गाड़ी एवरेज वाला ब्लॉग देख लिए होंगे भाई, 27-28-50 में, और जिन लोगों का है वो लोग बोल रहे हैं कि 35 का मेरा दे रहा है, 34-35, बट मेरा इसमें दे रहा है 27-28। तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है मेरे बाइक में ही ऐसा माइलेज दे रहा है या फिर पता नहीं क्या है। मीटर वाला प्रॉब्लम भी मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये जो टर्न सिग्नल का ये जो दिखाता था वो अभी तक है। बाकी जो था जो हमको फेस करना पड़ रहा है इस बाइक में वो चीज़ आप लोग को हम बता दिए। एंड इसमें जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अंडर बेली लगेगा नहीं, भाई इसमें स्पेस दिया ही नहीं है, इसके लिए हमको एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, ये जो ढोलक जैसा दिया हुआ है ना इसको हटाना पड़ेगा, और अभी हम नहीं करवाना चाहते हैं। मेरा ये बाइक घर में कम रहता है, सर्विस सेंटर में ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हम अभी करना नहीं चाहते हैं, ना तो वारंटी के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा मेरा, कहीं बोल ना दे कि तुम ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया है। भैया शुरू से ही प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में, हम क्या करें, फेस तो हमको ना करना पड़ रहा है। तो ये सब को छोड़ के और ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस का बात करें तो शुरू से ही मेरा बैड एक्सपीरियंस है इसके साथ। गुड एक्सपीरियंस बोलने से आप लोग को एक और रिव्यू वीडियो बनाएंगे कि कैसा है, कैसा मतलब गुड एक्सपीरियंस वाला ये वीडियो बनाएंगे, एंड दोनों ही चीज़ बताएंगे आप लोग, गुड एंड बैड कैसा हमको ये मतलब मिल रहा है। तो और अभी तो भाई जो है सो यही है, मिसिंग का प्रॉब्लम कैसे होता है वो आप लोग को हम अभी दिखाएंगे। अभी क्विक शिफ्टर इसका हम ऑन करके दिखा दें, क्विक शिफ्टर भाई ऑफ करके चलाना पड़ रहा है हमको, क्विक शिफ्टर सेटिंग भाई, मीटर हम फुल या डिटेल एक प्रॉपर वीडियो बनाए हैं वो भी आप लोग जाके पहले देख सकते हैं, पूरा फुल डिटेल रिव्यू हम मीटर में क्या कैसे क्या करना है, फ़ोन कनेक्ट कैसे कनेक्ट करना है वो सब कुछ बताए हुए हैं। और क्विक शिफ्टर ऑफ है देखिए,
इसको ऑन करते हैं, आप लोग को अब दिखाएंगे कि कैसा करता है। सो जो था 4-5 प्रॉब्लम मेरा यही था, और बाकी तो गाड़ी ठीक है। लुक के मामला में पिछले वाले से हमको ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और पावर का जहाँ तक बात है तो पावर भी वैसा न ज़्यादा है न कम है, एवरेज है। मॉडिफिकेशन तो पूरा सब कुछ गाड़ी में ये किया हुआ है, अच्छा भी लगता है भाई, अच्छा लगता भी है देख के। आप लोग खुद देख के बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग बोलेंगे भाई नया गाड़ी में ऐसा ऐसा करवा दिया है, भाई हम ये रैप करवाए हैं, पेंट नहीं करवाए हैं, तो कमेंट करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि रैप में दिक्कत नहीं आता है, पेंट में दिक्कत आता है वारंटी में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आप लोग को, अभी मिसिंग का प्रॉब्लम दिखाते हैं कि मिसिंग का प्रॉब्लम कैसा कर रहा है सो। तो चलिए फिर डन, मिलते हैं आप लोग से रास्ते में। एंड देख लीजिए बाइक में आ गए हैं, मिसिंग का प्रॉब्लम ये देखिए आप लोग को, अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए अभी हुआ, ये आप लोग को ये रास्ता हम चलते हैं और फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए भाई ऐसे यही हो रहा है शुरू से मेरे साथ, और दूसरा गियर में भी झटका लेता है भाई, कहीं पर मोड़ते हैं ना तो गाड़ी ही बंद पड़ जा रहा है। अब तो देखिए थर्ड गियर में तो कम हो गया, ये देखिए थर्ड गियर में है, सेकंड गियर में किए अभी नहीं हुआ। क्विक शिफ्टर भाई प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को पता चल पा रहा होगा या नहीं, लेकिन मुझे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके साथ। एंड इंजन ऑयल जो ऑयल फिल्टर पास से लीक कर रहा है वो तो मेरा बन ही नहीं रहा है, वो देखिए फिर से किया अभी। गाड़ी का अगर हम गियर डाउन करते हैं ना तब होता है, देखिएगा ये देखिए अभी मतलब ना अचानक से पिकअप छोड़ देता है फिर अचानक से उठता है, और ख़ास करके तो ये घुमाने टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमको। देखिए भाई चलते चलते पिकअप छोड़ दे रहा है इसमें, तो ये प्रॉब्लम मेरा जा नहीं रहा है, देखते हैं समय के साथ जाता है नहीं आता है। सब कुछ बोला हुआ है सर्विस सेंटर में, तो बैड एक्सपीरियंस मेरा यही है। क्विक शिफ्टर भाई जब इसमें दिया हुआ है तो हम क्योंकि क्विक शिफ्टर इसको ऑफ करके चलाएँगे, क्विक शिफ्टर का जो मेरा फीचर इसमें दिया हुआ है तो हम क्यों ऑफ करके चलाएंगे, मेरा ये बोलना है। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो फिर यही सब हमको फेस करना पड़ रहा है। एंड जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है KTM के साथ ये आप लोग से हम शेयर किए, आगे गुड एक्सपीरियंस भी आप लोग से शेयर करेंगे। ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अब कुछ अगले कंटेंट में, तब तक के लिए सबको बाय।